वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम जो है मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया, मोटिवेशन साइकिल को पढ़ा था, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को जो है ब्रीफ में डिस्कस किया था। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जो है सबसे पहले इवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ मोटिवेशन आता है, जिसमें हमने इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा और हल के ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी है। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके कृपया पहले वाली वीडियो को देख ले। ये पार्ट थर्ड है मोटिवेशन की वीडियो का, जिसमें हम अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे और इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को जो है डिस्कस करेंगे। अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में अराउजल जो है एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम एक्साइटेड फील करते हैं और अलर्ट फील करते हैं, जैसे कि हमें डर लगना, स्ट्रेस होना या एंगर फील करना। ये एक अराउजल की स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, तो इसे अराउजल कहते हैं। अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन विच पीपल आर सेट टू हैव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन that they seek to maintain by increasing or decreasing stimulation. Arousal theory of motivation ये बताती है कि एक person को जो है optimal level of tension की ज़रूरत होती है किसी भी task को perform करने के लिए। Tension जो है, arousal जो है, वो optimal level का होना चाहिए, ना ही तो arousal कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक ऑप्टिमल लेवल पर ही वो जो है बेस्ट और आइडियल टेंशन होती है जिसमें एक पर्सन ठीक से परफॉर्म कर पाता है। अकॉर्डिंग टू अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ईच पर्सन हैज ए यूनिक अराउजल दैट इज राइट फॉर देम। ये थ्योरी बताती है कि हर पर्सन का जो है अराउजल लेवल वो अलग होता है। कुछ पर्सन जल्दी अराउज हो जाते हैं और कुछ को जो है टाइम लगता है अराउज होने में। There are many factors that can influence each person's optimal arousal level. Genetic factor, experience क्या है, current mood state क्या है, ये बहुत से factor होते हैं जो एक person के arousal level को बताते हैं। Arousal theory पे जो है हैब एक researcher हुए, उन्होंने जो है एक rule दिया जो हैब rule के नाम से famous है। उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल परफॉर्म टास्क बेस्ट एट एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। हैब ने बताया जब ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होगा तभी जो है एक इंडिविजुअल अच्छे से अपना टास्क को जो है परफॉर्म कर पाएगा। जैसे कि स्टूडेंट हु आर नॉट एंग्शियस या लो लेवल ऑफ अराउजल होता है जिन स्टूडेंट्स में, उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कम होंगी। जो स्टूडेंट्स जो है टेस्ट को लेकर बिल्कुल ही एंग्शियस नहीं हैं, उनके अंदर बिल्कुल ही अराउजल नहीं है, उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस भी जो है वो बेकार जाएगी। और स्टूडेंट हु आर मोर एंग्शियस ऑल्सो लोवरिंग देयर परफॉर्मेंस। और जिन पर्सन के अंदर, जिन स्टूडेंट्स के अंदर जो है एंग्शियस लेवल हाई होगा, ज़्यादा होगा, उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस भी जो है वो कम हो जाएगी। तो हैब ने बताया एक अच्छे से टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जो है वो नेसेसरी होता है। अराउजल लेवल ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हैब रूल को ही आगे एक्सटेंड किया था यर्किस एंड डोडसन दो रिसर्चर ने। उनका लो जो है यर्किस और डोडसन लो के नाम से फेमस हुआ, जिसे लो ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इन्होंने अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच के रिलेशनशिप को जो है स्टडी किया था। ये लो बताता है कि मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल होगा तभी जो है ऑप्टिमल लेवल ऑफ मतलब बैलेंस्ड लेवल में हमारी परफॉर्मेंस होगी। दे कंडक्ट इन यर्किस और डोडसन ने जो है माइस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था अपनी स्टडी के लिए। इन्होंने बताया कि टू लिटल और टू मच अराउजल, अगर अराउजल लेवल बहुत कम होगा और अराउजल लेवल जो है बहुत ज़्यादा होगा तो उससे जो है परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। इन्होंने इस बात को
जो है एक ग्राफ की फॉर्म में जो है बताया था, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप जो है इन्होंने दिया था स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के बीच में, जिसे इन्वर्टेड यू भी कहते हैं। रॉबर्ट यर्किस एंड जोहन रोडसन ने कहा था, ऑप्टिमल अराउजल लेवल डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। हमारा टास्क कॉम्प्लेक्स है या कम कॉम्प्लेक्स है या आसान है, उसी पर जो है हमारा अराउजल लेवल जो है डिपेंड करता है। इन्होंने रिलेशनशिप जो है दिया था स्ट्रेस और परफॉर्मेंस को, जिसे यर्किस डॉडसन लो कहते हैं, और जो है सिंपल टास्क इज बेस्ट। इन्होंने एक्सप्लेन किया, इस सिंपल टास्क इज परफॉर्म्ड बेस्ट व्हेन अराउजल लेवल आर रिलेटिवली हाई। अगर कोई आसान टास्क है तो उसके लिए जो है हमें हाई लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत होती है, और एक कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर हमें जो है वो लोअर लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत होती है। जैसे कि सिंपल टास्क आपको जो है एक क्लासरूम का टेस्ट है, वो एक सिंपल टास्क है, तो उसको जो है आपको करने के लिए आपको जो है हाई लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम है तो उसके अंदर जो है आपको लो लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर एनजाइटी जो है वो अपने आप ही आ जाएगी, आपको जो है देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए जो आपको लो लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत है, और सिंपल टास्क के लिए आपको हाई लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत है, ऐसा जो है यर्किस और डॉडसन लो जो है एक्सप्लेन करते हैं। डॉडसन एंड यर्किस ने रिलेशनशिप दिया था स्ट्रेस और परफॉर्मेंस पर। यहाँ पे देखो, इन्होंने परफॉर्मेंस वीक और स्ट्रोंग ली है, और जो है अराउजल लेवल लो और हाई लिया है। इन्होंने बताया जैसे जैसे हमारा जो है अराउजल लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल पर आकर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका अराउजल लेवल बढ़ेगा तो जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा देखो, जैसे जैसे हमारा अराउजल बढ़ेगा हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल तक ही, एक ऑप्टिमल स्ट्रेस तक ही, एक बैलेंस स्ट्रेस तक ही हमारी जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर उसके बाद भी हमारा अराउजल लेवल बढ़ता है, यहाँ पे लास्ट में देखो हाई लिखा हुआ है, लो से हाई पर जो है अराउजल जा रहा है, अगर उसके बाद भी हमारा अराउजल लेवल बढ़ता है तो यहाँ देखो हमारा जो है नीचे की तरफ आ रही है हमारी परफॉर्मेंस, ये यू शेप बना रही है। जैसे लो से हाई जब हमारा अराउजल बढ़ा, एक ऑप्टिमल लेवल तक तो परफॉर्मेंस हमारी बढ़ी अराउजल लेवल बढ़ने के साथ, लेकिन उसके बाद जो है हमारा अराउजल लेवल बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये बताता है कि एक जब हमारे पास बहुत कम अराउजल लेवल होगा तभी भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो वीक होगी, और जब हम पे हाई अराउजल लेवल होगा तब भी हमारी जो है परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी। तो हमें हमारी परफॉर्म बेटर करने के लिए जो हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा या कम जो है अराउजल आने पर जो है हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। दूसरी थ्योरी है हमारी ज्यूकरमैन की सेंसेशन सीकर थ्योरी। इस थ्योरी को जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी जो है दिखाया गया है, ये उस पेपर में भी आती है, यूजीसी नेट के पेपर में भी। सिंपल सी थ्योरी है ये। थ्योरी ये कहती है कि एक एवरेज पर्सन में जो है मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल होता है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें कम लेस अराउजल लेवल चाहिए होता है, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा अराउजल लेवल जिनका हाई होता है। ही सेड दैट एवरेज पर्सन माइट रिक्वायर ए मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल टू फील कंटेंट। ये थ्योरी बताती है कि मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल हमें चाहिए कंटेंट या
सेटिस्फाई फील करने के लिए। लेकिन कुछ पर्सन को जो है लेस को एक मॉडरेट से जो है लेस लेवल ऑफ अराउजल चाहिए कंटेंट फील करने के लिए, और कुछ पर्सन को जो है ज़्यादा उनका अराउजल लेवल होता है कंटेंट फील करने के लिए, शांत फील करने के लिए। तो ये बताती है द पर्सन हु नीड्स मोर अराउजल, जिन पर्सन्स को जिन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अराउजल की ज़रूरत होती है उन्हें सेंसेशन सीकर कहते हैं। सेंसेशन सीकर वो पर्सन होते हैं जो मोर कॉम्प्लेक्स और सेंसरी एक्सपीरियंसेस करते हैं देन अदर पीपल। जैसे कि हम जो है किसी वाटर पार्क में जाते हैं, वहाँ से राइड करते हैं, या बड़े बड़े झूलों पर जो है हम जो है राइड करते हैं, तो उसमें जो है वो सेंसेशन सीकर होते हैं कि उन्हें दूसरी चीज, उनका अराउजल लेवल हाई होता है उन पर्सन का। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है जिसमें सम इंडिविजुअल स्कोरिंग जो है हाई करते हैं सेंसेशन सीकिंग में, और कुछ का जो है लोअर स्कोर होता है सेंसेशन सीकिंग में, जिसमें जो स्टूडेंट्स हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनका अराउजल लेवल जो है वो हाई देखा गया था, और जो अपने घर में रहकर ही या अपनी कंट्री में रहकर ही जो है पढ़ाई करते हैं उनका अराउजल लेवल जो है वो कम देखा गया था। तो इन्होंने ये जो है बताया है सेंसेशन सीकर के बारे में कि कुछ पर्सन को जो है ज़्यादा अराउजल लेवल की ज़रूरत होती है और कुछ को जो है कम अराउजल लेवल की ज़रूरत होती है कंटेंट फील करने के लिए। अगली अप्रोच है इंसेंटिव अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव जो है एक री इन्फोर्सिंग एजेंट है जो अट्रैक्ट और ल्योर करता है, मतलब लालच देता है पर्सन को किसी भी एक्शन को करने के लिए। इसे पुल अप्रोच भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। इंसेंटिव्स जो है वो हमें जो है अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कि मनी हो गया, बाहर की जो भी चीज़ें, या रिवॉर्ड हो गया किसी भी फॉर्म में, या प्रेस हो गया, ये जो है इंसेंटिव की तरह काम करते हैं। और इसके अपोजिट वर्ड जो है हमने इससे पहले वाली थ्योरी में पढ़ा था वो इंस्टिंक्ट होता है, जिसे पुश अप्रोच कहते हैं। पुश अप्रोच जो हमें धक्का लगाती है किसी भी चीज़ के लिए। पुश जो है जैसे कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होती है, फूड हंगर, हमें पुश करती है, वो मोटिवेट करती है हमें। हम होना चाहते हैं या नहीं चाहते इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो हमें पुश करती है, इंस्टिंक्ट अप्रोच। और इसके अपोजिट में है इंसेंटिव अप्रोच जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ लोग तो ही इन इंसेंटिव से जो है पुल हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं जाते। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है इंसेंटिव वो डिपेंड करते हैंगे। दूसरा है इन विच बिहेवियर इज एक्सप्लेन एज ए रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड इज रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली। इसमें बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस कैसा है और हमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। हर पर्सन के लिए रिवॉर्ड अलग हो सकता है। किसी को जो है ज़्यादा मनी चाहिए या किसी को कम चाहिए। कोई सोशल प्रेस के लिए काम करता है, तो हर किसी की इंसेंटिव जो है वो की जो है डिमांड वो अलग अलग हो सकती है। दीज रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी नीड और लेवल ऑफ अराउजल एंड कोज पीपल टू एक्ट ओनली अपॉन द इंसेंटिव। और जो एक पर्सन जो है वो इंसेंटिव पर ही जो है एक्ट करता है। पुश ऑफ इंटरनल नीड्स एंड पुल ऑफ रिवॉर्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। पुश जो है वो इंस्टिंक्ट अप्रोच में था, जो इंटरनल नीड्स हमारी होती है वे हमें पुश करती है, लेकिन पुल जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, रिवॉर्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। थैंक यू। ये जो थी वो इंसेंटिव अप्रोच थी और अराउजल अप्रोच हमने इस वीडियो में कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।